अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। 10 मल्ला 35x65 का प्लान है। इसकी डिमांड 2 करोड़ 20 लाख रुपया है। इसकी लोकेशन ट्यूलिप ब्लॉक सेक्टर सी बहरिया टाउन लाहौर है। इसका तमाम प्लान और इंटीरियर आपके साथ शेयर करूंगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई नीड 1000 लाइक फॉर दिस वीडियो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है जो कि मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का फ्रंट एलिवेशन है 10 मल्ला में। इसके बाद हम कार पोर्च में जाएंगे। ये कार पोर्च और ये कार पोर्च का सीलिंग। इसके साइड स्पेस 5 फीट है, बैक स्पेस 5 फीट है और फ्रंट लॉन जो है वो मैं अभी दिखाऊंगा, ये वाला, ये 10 फीट 9 इंच का है। ये इसका ड्राइंग रूम का डोर और ये मेन एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर की। ये फ्रंट लॉन में ग्रास और प्लांट्स नजर आ रहे हैं आपको। ये प्लांट्स और ये आर्टिफिशियल ग्रास है और ये ड्राइंग रूम की विंडो। तो हम ड्राइंग रूम के रास्ते से एंटर हो, ये हम आगे ड्राइंग रूम में वाइट टाइल, करारा वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर और ये ड्राइंग रूम का सीलिंग। इससे आगे चलेंगे तो इसका टीवी लाउंज आ जाता है, जिसे हम लिविंग भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान में वुडन का डोर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉल भी कर सकते हैं। ये इंटीरियर हुआ विंडो जिससे आप बाहर देख सकते हैं, वुडन वर्क हुआ हुआ है इसमें। आगे चलते हैं जी लिविंग में। ये हम लिविंग में आगे, कलरफुल टाइल विद वाइट बॉर्डर और ये सीलिंग और ये है जी इसका एलईडी पॉइंट विद फायरप्लेस और इसके बैक साइड पे वॉलपेपर दिया हुआ है। ये एलईडी पॉइंट, इसके साथ फायरप्लेस, ये सीलिंग टीवी लाउंज का और इसमें फानूस। ये फानूस को मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। और ये एलईडी पॉइंट जिससे आप पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ यहीं बैठे आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की, यहीं से स्टेयर्स ऊपर जाएंगी। ये ड्राइंग रूम जो अभी देख लिया और टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने किचन है, वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर। किचन कैबिनेट्स हैं ब्लैक कलर में और वाइट स्लैब है किचन की। इसका सीलिंग। आगे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में, 2 बेडरूम्स हैं। ये दोनों डोर आपको नजर आ रहे हैं तो 1 by 1 दोनों का विजिट कर लेंगे। ये हम आगे पहले बेडरूम में, वुडन टाइल वॉलपेपर और ये जो विंडो सामने नजर आ रही है ये साइड ओपन स्पेस में जो कि 5 फीट की है। ये सीलिंग और इसके साथ अटैच वॉशरूम, सिंक, कमोड और शावर एरिया अलहदा से दिया हुआ है। और ये इसका सीलिंग। चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ, वुडन टाइल इसका सीलिंग और ये विंडो बैक ओपन स्पेस में है। इसमें वार्डरोब भी है, ये वार्डरोब देख सकते हैं जो कि दीवार के अंदर फिक्स हुई है और इसके साथ अटैच वॉशरूम बैक ओपन स्पेस में ही, सिंक, वॉल पे टाइलिंग, फ्लोर पे कमोड, शॉवर और सीलिंग। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये मेन एंट्रेंस है, मेन डोर है ग्राउंड फ्लोर का। ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे और इसके नीचे पाउडर रूम भी देख सकते हैं आप। ये हम आगे फर्स्ट फ्लोर पे, ये स्टेयर लॉबी है, स्टेयर्स फिर ऊपर जा रही हैं सर्वेंट रूम की तरफ और ये मेन एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस से जब मैं एंटर होऊंगा तो मेरे लेफ्ट साइड पे टीवी लाउंज आ जाता है जो आप देख सकते हैं। राइट साइड पे इसके बिल्कुल सामने ओपन किचन है।
ये पहले टीवी लाउंज देख सकते हैं आप, सीलिंग टीवी लाउंज की, एलईडी पॉइंट, एलईडी पॉइंट देख सकते हैं आप और सीलिंग। इसके सामने ओपन किचन है, ये वाला जहां से हम ऊपर आए ये फ्रंट का बेडरूम है। तो पहले हम इन किचन को देख लेते हैं, सीलिंग, किचन कैबिनेट्स, दोनों तरफ सिंक देख सकते हैं आप, वाइट टाइल विद वाइट बॉर्डर और ये सीलिंग। चलते हैं बेडरूम्स की तरफ, ये फ्रंट वाला बेडरूम, सीलिंग, वॉलपेपर इस वॉल पे वुडन टाइल, वार्डरोब इस बेडरूम की और इसके साथ अटैच वॉशरूम, सिंक, कमोड, टाइलिंग देख सकते हैं आप वॉल की भी और वॉशरूम फ्लोरिंग की भी, और ये टावर शॉवर एरिया, सीलिंग। दूसरे बेडरूम में हम आ गए जो कि बैक साइड पे, वुडन टाइल इसमें भी, ये सीलिंग, वार्डरोब इसमें दीवार के अंदर फिक्स नहीं हुई, बाहर है दीवार से, और इसके साथ अटैच वॉशरूम, सिंक, टाइलिंग, कमोड और ये सीलिंग। चलते हैं दूसरे बेडरूम में, थर्ड वन बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, इसकी टाइलिंग, सीलिंग, और ये वार्डरोब और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।